हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आज हम एक नए से स्टार्ट करेंगे 13.8 जो स्फीयर पे बेस्ड है। ठीक है, स्फीयर में एक ही डायमेंशन होती है रेडियस और हेमिस्फीयर में एक ही डायमेंशन होती है रेडियस। ये स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, क्योंकि इसमें बॉल देखी होगी, बॉल को किधर से मर्जी देख लो उसकी सिमेट्री हर तरफ से क्या दिखाई देती है, सेम दिखाई देती है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr² 4πr² वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3πr³। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया कहेगा तो आपको 4πr² फॉर्मूला लगाना है, चाहे वो कर्व्ड हो, चाहे वो टोटल हो, चाहे सरफेस एरिया हो। हेमिस्फीयर में वॉल्यूम होता है 2/3πr³। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3πr³। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr² 2πr² टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr². तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3πr³, आधा हो गया। ठीक है, बॉल को बीच में से काट दो तो बिल्कुल हाफ हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², आउटर का एरिया निकाल लो प्लस उसका बेस का एरिया πr² जोड़ दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का 3πr². ठीक है, 13.8 से एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बस फर्स्ट पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, रेडियस दे रखी है हमें, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3πr³, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम हो गया 4/3πr³, 4/3π की वैल्यू 22/7, π की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस हो गया 7 × 7 × 7, 1 7 6 7 कैंसिल हो गया, 4 × 8 इंटू 7 × 7 अपॉन 3, 7 × 8 = 56, 56 और 5 कितना होगा 61, इंटू 7 / 3, 7 × 6 = 54, नहीं 7 × 6 कितना होता है 42, 7 × 7 = 11, 7 × 7 = 42, 42 + 1 = 43 अपॉन 3, ये आंसर आ गया। 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 4, 11, 7 × 6 = 42 = 43, ठीक तो है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हमें प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। दूसरे क्वेश्चन में हमें डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, जो वाटर डिस्प्लेस होगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में रहेगा फॉर्मूला y = 4/3πr³, रेडियस कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 28 है तो रेडियस कितनी होगी 14, तो आ जाएगा 4/3π कितना आएगा 22/7, 14 × 14, 7 × 2 = 14, 4 × 8 × 22 × 14/3, 8 × 16 ×16 = 17 × 14/3, ठीक है, 14 × 6 = कितना होता है 84, 14 × 7 = 98, 98 और 8 कितना होगा 98 और 8 = 106, 14 × 14 और 10 कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, πr³ होता है सॉरी, × 14 हो, अभी 14 की मल्टीप्लाई होगी, 14 × 4 कितना होगा 14 × 4 = 56, 14 × 6 = 84, 84 और 5 कितना आएगा 89, 14 × 4 = 56, 56 और 8 कितना होगा 64, 14 × 28, 28 और 6 कितना होगा 34,
अपॉन थ्री, ये आंसर हो गया। ठीक है, हमें डायमीटर दे रखा था, हमें निकालना था फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल, तो उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, एक मेटेलिक बॉल का डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर हो गया 2r 4.2, तो रेडियस कितनी है 4.2 / 2 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, जो जो वॉल्यूम आएगा उस पे 8.9 की अगर देंगे मल्टीप्लाई, तो उसका क्या जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर दे रखा हमें कितना, डायमीटर 2r है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम होता है यहाँ का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, पहले हमने क्या करा, 7 से कट किया 21 को, 0.3 है, फिर 3 से कट किया 0.1 आया, यहाँ के 8.8 इंटू 4.41, तो हमारा वॉल्यूम आ गया 38.808। अब इसका हमें मास निकालना है, तो जो वॉल्यूम आया उसमें हमारा, उसमें हम क्या करेंगे 8.9 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मास आ जाएगा, तो मास आएगा आपका 38.808 इंटू 8.9, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 345.39। ये इसका मास हो गया। ठीक है, पहले हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम आने के बाद जो मास आया था उसकी अगर उससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ठीक है, अगर मून का डायमीटर सपोज करो मैं मान लेता हूँ 2r है, या अर्थ का डायमीटर 2r है, तो मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो 2r/4 आ जाएगा। अभी कह रहा है व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, हमें फ्रैक्शन निकालना है किसका, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ मून के साथ। ठीक है, लेट से बोल रहे हैं डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, तो मैं मान लूँ लेट डायमीटर ऑफ अर्थ जो है वो 2r है, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होगी इसकी, आधी होगी 2r/2, दैट इज r, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना आ गया 4/3 pi रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, जो आ गया 4/3 pi r। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ तो मैंने 2r माना, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी आ गई r, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ तो क्या 4/3 pi रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, कितना आ गया 4/3 pi r³। तो हमने क्या माना, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, यहाँ पे d जो है डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, e स्टैंड फॉर अर्थ, तो डायमीटर ऑफ अर्थ 2r था। अब डायमीटर ऑफ मून जो कह रहा है, d स्टैंड फॉर डायमीटर, m स्टैंड फॉर मून, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ 2r/4, तो कितना आ गया r/2 आ गया, डायमीटर ऑफ मून कितना आ गया r/2, तो रेडियस ऑफ मून कितनी आएगी, रेडियस ऑफ मून आएगी डायमीटर ऑफ मून की आधी, तो r/2 का हाफ कितना आ गया r/2 × 2, कितना आ गया r/4। ठीक है, डायमीटर ऑफ मून जो है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ये गिवन है मैं कंडीशन कि डायमीटर ऑफ मून, डी स्टैंड फॉर डायमीटर, एम स्टैंड फॉर मून, डायमीटर ऑफ अर्थ का कितना है 1/4, डायमीटर ऑफ अर्थ 2r/4, तो r/2 आ गया, तो रेडियस ऑफ मून कितनी होगी डायमीटर ऑफ मून की हाफ, तो r/2 का हाफ कितना आ गया r/4, तो सरफेस वॉल्यूम ऑफ मून कितना आएगा 4/3 pi रेडियस ऑफ मून का क्यूब, रेडियस ऑफ मून कितनी है हमारी 4/3 pi r/4 का होल क्यूब, तो आ जाएगा 4/3 pi r³/4 कितना आएगा 64। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, तो आ जाएगा 4/3 pi r³ अपॉन कितना आएगा 4/3 pi r³/4 कितना आएगा 64। ये इससे कैंसिल हो गया, r³ से r³ कटा, तो आगे 1/1/64, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 64/1, तो रेशियो कितना आ गया 64:1, वॉल्यूम ऑफ अर्थ
रेशियो वॉल्यूम ऑफ मोल कितना आएगा, 64 रेशियो। दोबारा समझ लेते एक बार, मैंने माना नेट डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है 2R है, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो कि डायमीटर ऑफ अर्थ की हाफ होगी तो कितनी आ गई R। वॉल्यूम ऑफ मून कितना अर्थ कितना आ गया 4π3π रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, तो 4π3πR³ आ गया। डायमीटर ऑफ मून कितना आ गया डायमीटर ऑफ अर्थ का 1/4, तो 2R/4 कितना आ गया R/2। 2R कहाँ से आया, डायमीटर ऑफ अर्थ 2R थी तो R/2 आ गई। रेडियस जो होगी डायमीटर की आधी होगी तो कितनी आ गई R/4। वॉल्यूम आ गया 4π3π रेडियस ऑफ मून का क्यूब, रेडियस ऑफ मून R/4 है, तो आ गया 4π3πR³/64। दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 64:1। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।